कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नियमों में बदलाव किया। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। ये नियम कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने अपने पत्र में लिखा है, अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसे कोरोना का टीका रिपोर्ट निगेटिव आने के 3 महीने बाद ही दिया जाएगा। ये नियम एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा। केंद्र ने अपने पत्र में कहा है कि नियमों में वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार बदलाव किया गया है। दरअसल 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई थी। वहीं बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए भी 10 जनवरी से एहतियाती खुराक शुरू की गई थी। इसी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।